एनसीसी टुकड़ियों के मार्च पास्ट का पीएम मोदी ने किया निरीक्षण, 380 गर्ल्स कैडेट सहित कुल 1000 कैडेट्स ने लिया हिस्सा। एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर के समापन में दिल्ली के करियप्पा मैदान में पंजाबी पगड़ी पहनकर पहुंचे पीएम, एनसीसी कैडेट्स ने पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। एनसीसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मुझे गर्व है कि मैं भी कभी आप ही की तरह एनसीसी का सक्रिय कैडेट रहा हूं। मुझे एनसीसी ने जो ट्रेनिंग दी है वो जानने सीखने का मौका देती है। आज देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में मुझे उससे असीम ताकत मिलती रही है। बीजेपी का मिशन उत्तराखंड, यूपी के बाद रुद्रप्रयाग पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, शाह ने किया डोर टू डोर कैंपेन। रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर कैंपेन से पहले गृहमंत्री अमित शाह ने बाबा रुद्रनाथ मंदिर के दर्शन पूजन कर लिए। मेरठ पुलिस लाइन पहुंचे सीएम योगी, मेडिकल कॉलेज में कोविड सुविधाओं का सीएम ने किया निरीक्षण, कहा कोरोना के दौरान सबसे बेहतर तरीके से हुआ काम। जीवन और जीविका को बचाने के लिए जो कार्यक्रम किए गए आज उसी का परिणाम है कि फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन तो दी गई लेकिन गरीब को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, उन्हें फ्री में राशन की सुविधा भी महीने में दो बार दी जा रही है। प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। एक बार फिर आंदोलन की तैयारी में राकेश टिकैत, केंद्र सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप, कहा 31 जनवरी से फिर करेंगे इनकलाब। यूपी के लिए बसपा ने जारी की उम्मीदवारों की एक और सूची, 53 प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान, बिसलपुर से अनीस खां को टिकट और निघासन से मनमोहन मौर्य को टिकट। सुभासपा ने जारी की 3 प्रत्याशियों की सूची, संडीला से सुनील अर्कवंशी, मिश्रिक से मनोज कुमार राजवंशी, बलहां से ललित हरेंद्र को सुभासपा ने उम्मीदवार बनाया। आजाद समाज पार्टी की 15 प्रत्याशियों की सूची जारी, लखनऊ पूर्वी से अविनाश भारती को टिकट, लखनऊ उत्तर से नदीम मिर्जा, सुनील सिंघानिया को बख्शी का तालाब से टिकट, हरदोई सदर से अख्तर अली गाजी को टिकट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि सभी 403 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार, पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की आखिरी सूची तैयार कर ली है और ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की नीतियों पर, हमारे वचन संकल्प पर कांग्रेस सरकार बनाएगी और जो हमारी टिकट की सूची घोषित हो रही है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कल परसों में जो घोषित हो जाएगी वो अपरिवर्तनीय होगी, उसमें किसी भी हालत में किसी को बदला नहीं जाएगा।